ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में कचरे के ढेर में पड़ा एक देसी पटाखा अचानक चलने से वहां खेल रहे 5 बच्चे घायल हो गए। इनमें एक बच्चे के ज्यादा चोटें हैं। सभी बच्चों को जायरोग के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दरअसल शनिचरा रोड पर स्थित कुंवरपुर गांव में शनिवार शाम को शादी समारोह का आयोजन था। इस दौरान वहां जमकर आतिशबाजी चलाई गई। आतिशबाजी चलाने के दौरान किसी बड़े पटाखे में चिंगारी नहीं लगी थी, लोगों ने उसे बेकार समझकर छोड़ दिया था। सुबह कचरे के ढेर के पास वहां रहने वाले रिजवान खान, फरहान खान, संजना बानो, अयान खान और आयल खान खेल रहे थे। फरहान और रिजवान ने एक बिना चले पटाखे को उठाकर उसे हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो तेज आवाज के साथ जोर से फट पड़ा, जिससे ये बच्चे घायल हो गए। परिवार के लोगों ने तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रिजवान की हालत गंभीर बनी हुई है। वहां पे क्या है कि कल बारात खड़ी थी, शाम के टाइम लगभग 10-10 बजे लगे, वहां पे किसी ने बारूद एक पटाखा छोड़ दिया था। वहां पे गोली पटाखा लगा है, वो तो लगी आग में, किसी बच्चे ने उसको पटाखे को डाल दिया था। डालने के बाद वो पटाखा फूट गया, जिसमें 5-6 बच्चे घायल हुए। सबसे ज़्यादा रिजवान की चोट आई थी, इसको एडमिट कर दिया है। कैसे चोट आई है, क्या है उसकी स्थिति अभी? उसमें उसकी हाथ तो एक लगभग चली गई ऑपरेशन होकर, और हाथों हाथ भी चला गया एक पूरा। और कितने बच्चे घायल हैं? इसमें 5 बच्चे घायल हैं। क्या क्या नाम है? ये उसका नाम, एक का नाम फरहान है, एक का नाम संजना है, एक का नाम अयान है, एक का नाम कुमरपुर के मस्जिद के पास सुन्नी रजा मस्जिद है, वहाँ पे खेलते खेलते उन्हें बारूद पटाखा मिल गया था। वहाँ खेल रहे थे दुकान के खोखे के आगे, वहाँ वो पटाखा मिल गया था उन्हें। उन्होंने उसमें आग में जलती में डाल दिया था, तो उसमें आग लग गई थी, तो बच्चे गए। क्या बड़ा बड़ा कोई बारूद था? वो बड़ा पटाखा था। हाँ, ये कुंवरपुर गाँव है, शनिचर रोड मंदिर के पास, मंदिर को जाते हैं वहाँ से। अभी आग में भी कुछ दिक्कत है? हाँ, आग लगभग छूटी गई है वो बारिश से। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला लगभग कल लगातार ही होता है, ठीक है, नहीं तो कल ऑपरेशन होगा फिर। ठीक। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।